जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जय 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 जय। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार अमृत सिंह से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज पूरे भारत भर में राष्ट्रीय स्तर पर दो दिनों का बैंक हड़ताल है, 15 मार्च 16 मार्च 2021। क्या कहेंगे आप, अपना परिचय पहले परिचय दे। मेरा नाम रामनाथ प्रसाद गुप्ता है, मैं यूनिवर्सिटी प्रांत के सीनियर मैनेजर हूँ और निजीकरण का जोर विरोध करता हूँ, क्योंकि निजीकरण इस देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, वो निजीकरण से नहीं चल सकती है। निजीकरण का मतलब होता है मुनाफाखोरी। देश में इतनी गरीबी है, इतनी अशिक्षा है, बेरोजगारी है, उसको सिर्फ मोदी जी चाहते हैं कि 8-10 कैपिटलिस्टों के हाथ में देश को सौंप दें। अभी हाल में मोदी जी का बयान आया था कि देश सरकार व्यापार करने के लिए नहीं है, तो आज 70 सालों से इतनी सारी कंपनियां जो खड़ी हुई थी देश में, रेलवे का, बैंकिंग का, एयर इंडिया का सारा ध्वस्त किया जा रहा है। तो ये कुछ खास चुनिंदा अपने चाहते जो इनके व्यापारी वर्ग हैं उनको ये फंड देना चाहते हैं और उनसे फंड रिफंड लेके और फिर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और मजा करना चाहते हैं। वो जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं लेना चाहते हैं। ये झांसा राम बापू की सरकार है, एक आसाराम बापू हुए थे, ये झांसा राम बापू हैं। कैसे कहते हैं कि हम राष्ट्रवाद हैं, स्वदेशी हैं? कौन सा स्वदेशी है जब आप देसी चीज़ों को बेच रहे हैं, जो मुनाफा में कंपनियां हैं कमा के हजारों करोड़ रुपया आपको दे रही हैं, हजारों लाखों लोग उससे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, जिससे जीडीपी में हमारा ग्रोथ है, इकोनॉमी चल रहा है। अगर निजीकरण हाथों में चला गया तो विशुद्ध मुनाफाखोरी चलेगी और आम जनता जो हम लोग मास बैंकिंग कर रहे हैं ये क्लास बैंकिंग में बदल जाएगी और घास चुने हुए लोग बाकी देश का जनता का जो पैसा बैंकों में जमा है वो सुरक्षित नहीं होगा, वो पैसा सरकार हड़प लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।